हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किसी भी नॉनचेक सा बैलेंस पॉइंट जो है कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो सीखने के लिए देखते रहिए। अब पहली बात यह है कि नॉनचेक सा बैलेंस पॉइंट बोलते किसको है। ठीक है, मतलब नॉनचेक सा बैलेंस पॉइंट चीज़ है क्या। आपको बैलेंस पॉइंट से क्या पता चलता है कि एक पॉइंट जहाँ से वो पूरा चीज़ जो है बैलेंस होता है। तो नॉनचेक सा बैलेंस पॉइंट मतलब ये है कि नॉनचेक का एक ऐसा पॉइंट जिससे पूरा नॉनचेक जो बैलेंस होगा। ठीक है, अब उसको कैसे निकालना है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि नॉनचेक को कहाँ पे पकड़ा जाता है, तो बैलेंस पॉइंट वहीं पे है। ठीक है, तो कैसे उसको निकालना कैसे है। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि नॉनचेक में जहाँ से स्टेन स्टार्ट होता है वहाँ से थोड़ा सा गैप रख के जो है वहाँ पे पकड़ना होता है। तो वहाँ पे ऐसे दो उंगली ले लीजिए, ठीक है, और उस पे ऐसे रख दीजिए। अब जिस जगह ऐसे नॉनचेक ये हो गया, मतलब ऐसे बैलेंस हो गया, तो उस दोनों उंगली के बीच में जो है उसका बैलेंस पॉइंट है। ठीक है, अब अगर आप इधर रखते हैं तो गिर जाएगा, इधर भी रखते हैं तो गिर जाएगा। तो अगर आप पूरा बैलेंस पॉइंट पे रखेंगे तो नॉनचेक पूरा ऐसे स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो आपको नॉनचेक अगर बैलेंस पॉइंट से क्या होता है, अगर आप नॉनचेक से बैलेंस पॉइंट पर पकड़ के नॉनचेक को घुमाते हैं तो नॉनचेक का भी डिसबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। जहाँ से चेन स्टार्ट होता है उस वहाँ से पकड़ लीजिए, एक उंगली को छोड़ रहा हूँ, एक उंगली गैप दे रहा हूँ। उसके बाद जो है मैंने दो उंगली के ऊपर नॉनचेक का जो है ये रख दिया है मैंने। ठीक है, अभी किसी भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वुडन हो, स्टील हो, कुछ भी हो, आप ऐसे बैलेंस पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका बैलेंस पॉइंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जो है आपने पूरा सीख लिया है कि किसी भी नॉनचेक का बैलेंस पॉइंट कैसे निकालना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।